अक्सर मेंबर जिन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को लेकर बात करते हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा और प्रोजेक्ट हमेशा वही सक्सेसफुल होता है कि जिस प्रोजेक्ट में सबसे पहले आके आबादकारी होती है। तो आज मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो प्रोडक्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ ये बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी जो रियल्टर्स इनक्लेव बन रहा है उसमें जो बनाए जाने वाले ऑफिसेज हैं जो यहाँ पे टॉप सेल्स पार्टनर होंगे उनको दिए जाएंगे। ऑफकोर्स सोसाइटी से कुछ ना कुछ चार्ज करेगी। ये जो ऑफिसेज हैं ये ऑफिसेज साइट पे ऑपरेशनलाइज किए जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में सारी की सारी ट्रांसफर्स जितने सेल्स रिलेटेड प्रोसेस हैं या जितने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोसेस हैं वो साइट से एग्जीक्यूट हों, ना कि F11 मरकज से जो अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी का हेड ऑफिस है। सबसे पहले अंदर चलते हैं, मैं आपको सर एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑफिस बड़ा शानदार बनाया गया है क्योंकि मॉडल ऑफिस है और जाहिर साहब ने जब इंटरचेंज का इफ्तिताह किया था तो रियल्टर इनक्लेव का भी साथ ही इफ्तिताह हुआ था। सबसे पहले जी ये आ गई आपकी रिसेप्शन लॉबी और रिसेप्शन लॉबी डबल हाइटेड है। ये डबल हाइटेड लॉबी और इससे आपको ये बाहर का व्यू मिलता है। ये पूरी की पूरी ग्लास से बनी हुई है और बड़ी अच्छे तरीके से इसकी जो लुक है बाहर से एक्सटीरियर वो काफ़ी प्यारा दिखाई देता है। इसके बाद अगर बात करें हम जो रूम्स हैं ये ऑफिशियल ऑफिसेज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला रूम जो है ये आपका जो सेल्स लीड होंगे उनका रूम होगा और यहाँ से बाहर का व्यू कितना शानदार बनता है। इवन दो वो दूर तक आपको पहाड़ों का व्यू नज़र आता है तो ये ऑफिस का इस ऑफिस के पास स्पेसिफिकली जो इस ऑफिस में होंगे उनके पास ये स्पेशल एडवांटेज होगा। ऑलरेडी सीलिंग का काम सारा मुकम्मल किया जा चुका है, लाइट सारी मुकम्मल की जा चुकी हैं और एसीज़ वगैरह भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मुकम्मल हैं। अब चलते हैं दूसरे रूम में। अगेन इसके साथ ही ये आपके रिसेप्शन लॉबी और रिसेप्शन लॉबी के साथ अब यहाँ पे चार रूम्स हैं। अब ये चारों रूम्स जो होंगे आईटी का ऑफिस होगा, अकाउंट्स का ऑफिस होगा, एचआर का ऑफिस होगा और उसके साथ जो बाकी नॉमिनल सेकंड सेल्स टीयर सेकंड टीयर में सेल्स के लोग आते हैं उनका ऑफिस होगा। तो ये भी बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी मुकम्मल किए जा चुके हैं और इनमें जितना इलेक्ट्रिसिटी वर्क है जितना आपकी रिमेनिंग इंस्टॉलेशन होनी है वो भी सारी की जा चुकी हैं। यह आगे दूसरा रूम, ये चार रूम्स हैं। मोस्ट ऑफ इनके साइजेज होंगे वो 10x10 या 10x13 के होंगे। ये रूम से बड़ा है ओवरऑल। इन चार रूम्स के बाद नीचे आते हैं जी स्टेज के साथ जो पीछे ये वाला एरिया बनता है। ये एरिया बेसिकली वो है जो सेल्स का स्टाफ ओवरऑल जनरल जो स्टाफ होगा उनकी सिटिंग को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। यहाँ भी ऑलरेडी एसी इंस्टॉल किए जा चुके हैं, सीलिंग वर्क हो चुका है, लाइट का वर्क हो चुका है और कुछ नॉमिनल्स काम रहता है वो भी मोस्ट प्रोबेबली अगले शायद 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाए। अच्छा इसके साथ इस तरफ आ जाता है सेल्स वालों के साथ ही यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहले जो ऑफिस का अपना किचन है वो, सेकेंडली ये दो बाथरूम्स हैं जो स्टाफ के लिए हैं, एक वैसे कि फीमेल वॉशरूम होगा दूसरा मेल वॉशरूम होगा। वन के डोर्स पे यहाँ पे साइंस लग जाएंगे। अब चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि ओवरऑल एक्टिविटी किस हद तक हुई है। इस ऑफिस की इंपॉर्टेंस ना इस हद तक बहुत ज़्यादा क्योंकि जितने अभी स्मार्ट सिटी के अंदर जितना बिजनेस हुआ है मेंबर्स का जिन्होंने यहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं या प्रॉपर्टीज़ बेचना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो उन्हें साइट पर से विजिट करने का मौका नहीं मिल पाता। अभी ये ऑफिस ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे साइट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब जी फर्स्ट फ्लोर पे आएँ दोबारा, ये एक मीटिंग रूम है। मीटिंग रूम कह लें या एग्जीक्यूटिव रूम कह लें या वट एवर जिस तरह भी इसको प्लान में लाया जाएगा जैसे पता डिज़ाइन में होगा उसी तरह से इसको बनाया जाएगा तो ये इधर से लुक बनती है। एक तरफ आपकी आर्टिफिशियल ग्रासिंग की है बाहर और ये डबल हाइटेड लॉबी, नीचे आपको रिसेप्शन एरिया मिल जाता है और जितनी इसकी ग्रिल्स हैं वो सारी की सारी सोलर्स के साथ इंस्टॉल की गई हैं। अब आपका जो मेन रूम है जो सीओ रूम होगा वो भी दिखा देता हूँ। ये होगा जी मेन रूम, सीओ रूम होगा मोस्ट प्रोबेबली अलॉन्ग विथ अटैच बाथ। यहाँ पे तकरीबन सारी चीज़ें इंस्टॉल की जा चुकी हैं। ये भी काफ़ी बड़ा रूम है, ये 1.5 फ्लोर है बेसिकली यानी कि ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल और ये 50x90 का प्लॉट था इसमें जो कंस्ट्रक्शन की गई है 40x70 भी की गई है। ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल है, फर्स्ट फ्लोर पे दो ये रूम्स हैं और इस तरफ सारी की सारी ओपन स्पेस है और साइड्स पे हर तरफ
सोलर इंस्टॉल की गई ताकि इसकी सस्टेनेबिलिटी को उतना ही बेहतर किया जा सके। तो ये ओवरऑल सारी ऑफिस की लुक हो गई। मैं आपको नीचे के मज़ीद कुछ चीज़ें दिखाता हूँ एक्सटीरियर के हवाले से। ये आपकी आ गई लेफ्ट साइड वाली स्पेस स्टेयर्स के साथ, और ये एक छोटा सा आउटडोर गार्डन ऑफिस के साथ ही बिल्कुल अटैच है। इसके 5 फीट और 5 फीट राइट और 5 फीट लेफ्ट साइड पे ओपन स्पेसेस छोड़ी जाएंगी, और बैक साइड से भी कुछ ओपन स्पेसेस की रखी जाएगी। तो ओवरऑल ऑफिस को देखा जाए तो कवर्ड एरिया के लिहाज से अराउंड कोई 4,500 स्क्वायर फीट के आसपास कवर्ड एरिया होगा। ये सारे आपको एसी इंस्टॉल हुए नज़र आ रहे हैं, तो मतलब ये इस ऑफिस की हदूद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और फ्रंट साइड पे ये 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, और ये डायरेक्ट एक्सेस है फ्रॉम द मेन इंटरचेंज।